ये आवाज फट कैसे गई थी? डैडी की शक्ल ही उतर गई थी गाना सुन के। डैडी की शक्ल ही उतर गई थी गाना सुन के। तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज है 24 फरवरी और आज है प्रिया का हैप्पी बर्थडे। पहले तो उसको हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की लख लख बधाई। खुशियों भरा दिन रहे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए और अच्छी अच्छी व्लॉगर बने, वो भी जल्दी से। हम ये दिल से दुआ मांगते हैं। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से अपने काम के लिए। प्रीति गई हुई है कीरत को लेने के लिए सोनू की गाड़ी पे i20 पे, और मैं जा रहा हूँ होंडा सिटी पे। तो आज का व्लॉग अभी हम आपको एंजॉय कराएंगे होंडा सिटी पे। और पहले चलेंगे इस पे मत्था टेकेंगे पेट्रोल का, उसके बाद गुरुद्वारे भी जाना है। शंग्रीला होटल में अगेन आज फिर मीटिंग है। तो बस यही है आज का पूरा दिन, और शाम को जाना डिनर पे। तो डिनर के बाद देखते हैं फिर क्या प्रोग्राम बनेगा। सारा दिन आज फुल ऑन एंजॉय वाला है। चलो एंजॉय करते हैं और आपको कराते हैं। खड़ी है अपनी कुछ दिन की गाड़ी, मतलब ये थोड़े दिन के लिए, तो इसको कुछ दिन की गाड़ी कहा जाएगा। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और ये गाड़ी चली है 43,000 किलोमीटर ओनली, और ऑटोमेटिक गाड़ी है अपनी, अच्छी है, अंदर से कंडीशन अच्छी है। भाई अपने को तो शौक वैसे ऑटोमेटिक का ही है, बट जोन सी भी मिल जाए अपन चला लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिक ही चलानी है, बचपन से तो हमने नॉर्मल गाड़ियां चलाई हैं, ऑटोमेटिक तो अब चलानी शुरू करी है, बट सारी गाड़ियां आनी चाहिए, ऑटोमेटिक भी नॉर्मल भी। तो बस अभी चलते हैं, पहले इस पे डलाते हैं पेट्रोल और उसके बाद फटाफट पहुंचते हैं शंग्रीला होटल। पहले मीटिंग करेंगे शंग्रीला में, उसके बाद बाबा जी के पास मत्था टेकेंगे, शुक्राना करेंगे, एंड देन फिर वापस घर पे आएंगे। जो भी प्लान बनेगा डिनर का, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सारा आपसे शेयर करेंगे और एक हसीन व्लॉग बनाएंगे और मजे कराएंगे आपको। तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला लिया है और अब हम निकल चुके हैं। अभी मैं चल दिया हूँ वापस, और मुझे एक काम याद आया, पहले घर पे मैं कुछ सामान भूल गया हूँ। घर जाऊंगा, घर से सामान उठाऊंगा, सामान उठा के फिर निकलूंगा, और हो सकता है तब तक कीरत भी आ गया हो, तो कीरत को भी मिल लेंगे। तो भाई वो प्रीति लगा रही है गाड़ी, अभी अभी बैक होते हुए नजर आई, मतलब कीरत भी आ गया हो रहा। ओए होए हीरो हीरा लाल। हाँ भाई हीरो राउंड, तुझे तो बस राउंड। ओ भाई सीधा ही बैठ गया, चले। प्रीति को बोल दिया मैंने, पेपर जो मैंने निकालने थे वो पेपर निकालने गई है अंदर। और कीरत भाई साहब स्कूल से आते ही मुझे कह रहे हैं पापा राउंड, इसको हर गाड़ी में राउंड लेना होता है, इसको बड़ी खुजली है इस चीज की। क्यों भाई? इसको होंडा सिटी में राउंड लेना था, तो अभी होंडा सिटी में राउंड ले रहा है और हम इसको राउंड दे के जल्दी से पेपर कलेक्ट करके फटाफट दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। अभी था पेट्रोल डला रहा था, बता। तो मैं भी यही कह रहा था। तू भी यही कह रहा था? अच्छा, बाय बाय, शाम को मिलेंगे, तैयार रहियो, रात को डिनर पे जाना है। पता तुझे प्रिया का फोन आया था, कह रही तैयार होके दीपक चाइनीज पे आ जाना। सही में शक्ल क्या बना रही है, उससे जाके पूछ यार। ऐसे अब यहाँ देगी पार्टी दीपक भैया के पास? वही कह रही थी दीपक चाइनीज पे आ जाना, वो तो हम रोज खाते रहते हैं। तो फिर उसी को बोल, मुझे क्या कह रही है, पकड़ती हूँ मैं उसको अभी। ओके बाय बाय, जाता तो गाड़ी में लगा देना, डैडी के साथ आ जाना। क्यों? एक्चुअली क्या है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मीटिंग पे जाना भी जरूरी था, काम भी है। तो प्रीति वही कह रही थी, कह रही है अगर तुम्हें दिक्कत हो तो गाड़ी वहीं लगा देना, और वहाँ पे ड्राइवर है, ड्राइवर और डैडी के साथ घर पे आ जाना, तो गाड़ी बाद में आ जाएगी। मैं कहा नहीं यार, देखता हूँ क्या प्लान बनता है, क्योंकि कुछ नहीं पता मीटिंग कितनी देर चलनी है, हो सकता है जल्दी फ्री हो जाऊँ तो जल्दी आ जाऊंगा, लेट हुआ तो लेट आ जाऊंगा, मतलब हो सकता है कोऑर्डिनेशन ही ना बने डैडी के साथ। तो अब चलते हैं फटाफट अपने काम करते हैं, काम वाम करके कामों से वापस आते हैं और रात का व्लॉग एंजॉय करते हैं। रास्ते में कोई बात याद आई तो जरूर आपसे करूंगा। कितनी तेरा रुतबा घटदा जे हंस के बुलाल में किधरे। थोड़ी सी जल्दी हो ना, मीटिंग पे जाना हो तो जाम ऐसे मिलता है, सरदार पटेल मार्ग पूरा जाम पड़ा है। सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर। तो मीटिंग से फ्री होके ना बस अभी घर के लिए वापस निकला हूँ, रकाबगंज साहब में मत्था भी टेक लिया। तो आज पता है क्या सीन हो गया मेरे साथ, हुआ बड़ा गलत यार। शंग्रीला में बैठा था तो उनके वेटर जब चाय देने आया ना, मेरे पे चाय गिर गई पूरे हाथ पे, और पूरा हाथ इतनी तेज जला ना, गरम गरम चाय थी,
मतलब अभी भी मतलब कहते हैं ना हल्का सा वो लग रहा है कि छाले वाले ना पड़ जाए, फटाफट भागा वहां पे साबुन से हाथ धोए पानी में रखे तो फिर, पर अभी भी बहुत ज्यादा जलन हो रही है। सोच रहा हूँ घर जाके जो होती है ना जेल लगाऊंगा तब थोड़ा सा शायद रिलैक्स मिले। या पहले ना मम्मी जब थी मेरी तो वो मेरे को बताती थी कि वो लगाया कर, कोलगेट लगाओ अगर जल जाए तो, या टूथपेस्ट जाके भी जाके लगाता हूँ देखता हूँ क्या करता हूँ, जलन बहुत ज्यादा हो रही है। तो बाकी भी घर चलते हैं और घर चढ़ के मिलते हैं आपको। सूर्य देवता भी फुल चमक में है, खूब चमक रहे हैं। मैं घर पहुंचा ही नहीं था तो प्रीति का फोन आ गया रास्ते से कि मैं 23 सेक्टर जा रही हूँ अंकित प्रिया के साथ, तुम ऐसा करना कि प्रभनूर को पिक करके घर चले जाना। तो मैं प्रभनूर को ट्यूशन पे पिक करने आया हूँ, उसके आते ही हम लोग घर जाएंगे और वो लोग 23 सेक्टर से शॉपिंग करके घर वापस आएंगे। चलते हैं, प्रभनूर की वेट करते हैं। आओ भाई आओ, क्या कह रही है? ये भी अपनी है। क्यों, क्या हुआ? मेरे को हॉर्न रिकॉग्नाइज नहीं। तो मैं इतनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही? फोन लेके नहीं गई, ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, फोन देखने जाते हैं। आ चुकी है, इसको 1,00,000 रुपए का फोन मिला है और डैडी को दिखा रही है, कह रही पार्टी डैडी आप दे दो। 1,60,000 नहीं मैं 73 का वो और क्या कम होती 73 कुछ तो मिलेगा कुछ नहीं डैडी तेरा आईफोन वैसे मुझे आप में अपने दादाजी नजर आते हैं रिजेक्ट वाला है। अब हम जा रहे हैं, तू बैंगन क्यों मजा लिया? क्योंकि तुम्हें भूनना है, मैंने ये मुंह पे बैंगन लगा लिया खाने नहीं। वो देख वो तेरी वीडियो बना रही थी तो ये आ चुकी है, ये बर्थडे गर्ल है, यहाँ लंबी पड़ी हुई है, इसको कह रहे पार्टी दे दे, पार्टी दे के राजी नहीं है। डैडी गुस्से में चले गए आपकी वजह तो, डैडी तो गुस्से में जाएंगे ना, तो पार्टी दोगे, भूखा मार रहे बंदे को, बेशरम लोग। एक बात बताओ आपको ये स्विगी वाले कपड़े क्यों पहनाया? खाना लाओ, मैं जोमेटो की डिलीवरी करता हूँ ना रात को आजकल, हाँ वही डिलीवरी करनी स्टार्ट करी हुई है मैंने। अच्छा सो चुका है और ये थोड़ा सा तंग है, प्रीति हमारी बहुत तंग हुई हुई है। तू क्यों हंस रही है तंग पे? मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, क्या समझिए था? क्या समझी है? क्या समझी क्या तू? कि आपने तंग करा हुआ है। क्या तंग करा है वही जानने चाहती है पब्लिक। करियो क्या क्या इस कहावत को बता, हिंदी में मतलब बता। बेटी तंग जवाई नंग मतलब मेरी आदमी की बेस्ती है। हाँ इज्जत है। अरे बेटी तो किसी की भी हो सकती है ना, एक ही दुनिया में बेटी जवाई है क्या? तो पति का लिंक बहन से होगा या सारी बेटियों से होगा? अरे कहाँ तक आवाज आती है, मतलब लिपस्टिक लगा लो बिल्कुल सुनना ही नहीं है। नहीं कान में थोड़ी ना घुसा, ये लिपस्टिक वो देखो क्या हुआ? अब वो एक्टिंग तो आखिर बहुत मुश्किल से राजी हुई है ये रोटी खाने के लिए, कह रही जीजू आप खिलाओगे तो हम जा रहे हैं इसको रोटी खिलाने के लिए। चलो वो उसको देखो अंदर बंदी करके जा रही थी प्रीति, चला गया नहीं कोई नहीं आ जा। बार आ चुके हैं, सीरत सो रही है, प्रीति का फोन ले आया और प्रीति अंदर ढूंढ रही है। तुम दोनों भाई बहनों ने अखबार क्यों पहनी है? है भाई हेलो, अखबार क्यों पहन ले बेटा? अरे भैया चल लो क्या, कल खाऊं खाना। अब तू इतना तैयार होके क्यों आया? क्यों पर्सनालिटी होती है कुछ? हां काय की पर्सनालिटी होती है, अपनी अपनी बात होती है। इसको क्या होली के कपड़ों में लेके जा रहे हो? को होली मनाने जा रहे हो? तो उसको तूने अखबार क्यों पहनाई है? किसको अखबार? प्रभनूर को। तुम्हारी चॉइस थी ना वो। अच्छा वो वाली? नहीं बहुत अच्छी है। मैंने लेके दी थी, बहुत अच्छी है। ये जो मेरा पुत्र है ना ये सो गया है, इसको उठाते हैं अभी एक्टिंग सिंह को। आजा हम आ चुके हैं पार्टी पे, मतलब पार्टी नहीं रेस्टोरेंट पे डिनर करने के लिए, पंजाबी टाणी पे। ये अंकित तेरी शक्ल को क्या हो गया?
तू क्या कर रही है भाई, गाने गा रही है? किसकी फोटो खींचू? वो पियानो टूट जाएगा उसका। मैं पियानो पे थोड़ा बैठ रही हूं। तो ढोल पे बैठ रही, वो टूट जाएगा। 70 साल, 70 साल तो गुड़गांव बने नहीं हुए। ये तू बेटे ट्यूबवेल में नहा ले, ट्यूबवेल में नहा ले। प्रीति तेरे को चुंज मार देगा ये। चला गिर सिरत गिरदा। प्रीति तेरे मुड़े पे बैठने से पीछे वाला बंदा छुप गया, क्या करें? कैसी फोटो खींची अगर इसको नहीं आती? फेल है ये। जी हो जी शक्ल हो जी फोटो। चलो यार ये बंदा क्या रख लिया तूने, क्या रखा ये बंदे को? रुकना मोनू मोनू, ये जो ये खराब कर दी मेरे को, साल हो गए व्लॉग बनाते बनाते मेरे को फोन। ओ ये हार यार, एक बार तू बता दे जल्दी से, तू भी व्लॉग बना ले, व्लॉग बना ले। मैं छोड़ के क्यों चिल्ला रही है? चाहता क्या भाई तू? फोटो खींचनी है ना, पकड़ लगा फोटो करा रही है। अबे एक तो इस चनानी ने दुखी करा हुआ है, फोटो फोटो फोटो, पता नहीं कितनी फोटो कराएगी। ओ क्या चीज लिखी है, परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही जलने के लिए होते हैं। वाह भाई वाह, ये थॉट है, थॉट ये थॉट मैं पढ़ूंगी। अच्छा बड़े अच्छे अच्छे थॉट लिखे, एक और भी लिखा, वो भी पढ़ेंगे हम। एक और थॉट पढ़ते हैं। नींद का नीम का पेड़ है, चंदन से कम नहीं, हमारा गुड़गांव लंदन से कम नहीं। मानती है गुड़गांव वालों? देखो मैं ही लेके आई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी शुरू हो चुकी है, पार्टी भैया को बोल रही है इसका हैप्पी बर्थडे है। गूगल करेगी फिर बताएगी। यार वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है यार। नहीं मेरे को याद है, तो मैं याद है। फेवरेट सॉन्ग था वो भी अच्छा है। वो लगवा दो चप्पल चप्पल। हाँ हाँ लगवा दे। कीरत को देखो ढोल बजाने पहुंच गया भाई, रोटी भी खानी है ढोल ही नहीं बजाना है। ये प्रीति की फरमाइश में गाना लगाया। यही गाना लगवाना था तुझे, इतनी याद आ गया, बता दे भैया को। के लिए बैलून आ गए, बैलून। इतनी तोतली नहीं चलनी चाहिए तेरी, बहुत छोटी है तू अभी, समझ में आई? हाँ तो उसके दो बच्चे जिसको बोल रही है। अरे मैंने क्या बोला? हमें क्या पता क्या बोला, बोला? अभी वो गुस्से पे खाने पे बिजी है, फिर तुझे बताएगी। मैंने क्या बोल दिया? अब उसको बोल रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया? मैंने भी तो कुछ नहीं करा, पता नहीं क्यों बोल रहे, बनती क्यों रहते तू? अभी बताएगी, कांटा मार देगी तेरे पेट पे। दांत में तीले मारी जा रही है, और कोई काम नहीं तुझे? खाया पनीर खाया। भैया को बोलने गया है कि मम्मी ने गाना गाना है। डिसाइड कर रही है, भाई देख रही है कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा व्लॉग नहीं बना सकती, स्टोरिया बनेंगी इंस्टा पे। आमने सामने व्लॉग करा, आमने सामने व्लॉग नया सिंगर, ये उभरता हुआ सितारा। प्रीति चप्पा चप्पा चरखा गा दे। कह रही है सॉलिड वाली। डैडी अलग सोफे पे बैठ के देख रहे हैं। इसकी इसकी आवाज इतनी खतरनाक निकलेगी, सब परेशान हो जाएंगे। हाथी जोड़ी जा रही है, आगे गाना भी दिखा ला है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पल्ले दे तू प्रीति गाना का, पल्ले साढ़े कख नहीं।
प्रीति को खाना था ना, वो लगा पल्ले साढ़े कख नहीं। सबको बोल रही है कि मेरे लिए ताड़ी बजाओ ताड़ी बजाओ ताड़ी बजाओ, कोई ताड़ी बजा के राजी नहीं है। ये आवाज फट कैसे गई थी? माइक खराब था, आवाज बहुत। मेरे को तो लगा गला खराब है, माइक ठीक है। तू बताइयो प्रीति। हेलो प्रीति, क्या था, गला खराब था या माइक खराब था? मेरा गला ही पता नहीं, रब जाने। नहीं अच्छा बोला। तारीफ तो कर दो यार, झूठी कर दो। डैडी आप बताओ, अच्छा गाया? डैडी की शक्ल ही उतर गई थी गाना सुन के। डैडी की शक्ल ही उतर गई थी गाना सुन के। बीच में ओए वाओ फिल्म मस्त, मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए परफॉर्म, हम सभी के सामने परफॉर्म करने वाला है भाई, तो आप ताली बजा दें खिलत के लिए। जी रोटी आ गई, मटन करी, बिरयानी। डांस करना तुझे, तेरा बर्थडे है, डांस कर बेटे, तेरा बर्थडे है। दुल्हन वही जो पिया मनवाए, असली खाने का शौकीन प्रीति के पास आ जाए। ये लिखा है ऐसा क्या? ये क्या लिखा? ये लिखा है दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। ये आपने ये खर्चा अपना तो पढ़ो इसको, क्या सीखो इससे। दोस्ती अपनी जगह, डैडी जी बड्डे बुड्ढे हो गए आप, आप आप करो। नीम का पेड़ है चंदन से कम नहीं, हमारा गुड़गांव, हमारा गुड़गांव, हमारा गुड़गांव लंदन से कम नहीं। प्यार ते करा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। डैडी जी तो आप पे ही है। प्रीति ने कोई टैग लाइन पढ़ी, मैं जल्दी जल्दी आ गया। गरम पानी पिए, चबा के खाए, व्यायाम के चक्कर, व्यायाम करें, व्यायाम करें, अच्छी नींद ले, राजनीति के चक्कर में संबंध खराब ना करें। पार्टी में रोटी खाने को जा रही है। हेलो प्रीति, डिनर हो गया, अब हम जा रहे हैं घर वापस, और घर जाके जरा दूध चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। चलो भाई। हेलो, अब जब भैया धक्के मार के निकाले कि तब निकलोगे? हेलो चलो चलो, बाय बाय टाटा, कल मिलेंगे। हमने करी आज बहुत मस्ती और पार्टी, और मैं खा रहा हूँ अभी फीस्ट। चॉकलेट जाके खाने जा, चरा चरा के खाना है आपको, आप भी सोचते मेरे को भी खानी है इसकी। इसको यही पेंट करता हो, कट आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अरे मेरी तरफ देखो, वहाँ पर क्या दिखा रहे हो? सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, हर रोज की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिल जाएगी, बाय बाय।